तो ये आपका एक वैल्यू एडेड सर्विस है हमारी। आपकी जितनी भी इंक्वायरीज होंगी, चाहे वो एडमिशन ले चुकी है या उसने एडमिशन नहीं लिया है, सबको ये आप डे वाइज उन्हें हैमर कर सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आप लोगों के साथ। माय स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। तो कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक हम इन स्टेज को कुछ फॉलो करने वाले हैं, कुछ स्टेप्स को। आज सबसे पहले हम टैग्स क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हम टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे, फिर हम एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, फिर वर्कशॉप, एंड आफ्टर दैट टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम टैग से स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों के पास इस चीज का एक्सेस नहीं है, नहीं दिया है। आफ्टर दिस सेशन आपको इसका एक्सेस भी मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और स्टेप्स को प्लीज आप नोट करते जाइएगा क्या क्या है। वैसे मैं आपको स्टेप भी ग्रुप में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए काफी वो इजी रहे। तो जब आप लॉग इन करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, सबसे लास्ट में आप देखेंगे ऑप्शन है सेटिंग। आपको सेटिंग में क्लिक करना है, एंड आफ्टर दैट टैग्स। यू कैन सी हियर इन टॉप, आप टैग में क्लिक करेंगे। टैग इसलिए लगाया जाएगा ताकि कभी आपको, अगर सपोज आप डिफरेंट एक्टिविटीज में वर्क कर रहे हैं, अभी आप सपोज एडमिशंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आगे चल के मे बी शायद आप समर कैंप में वर्क करें या किसी और एक्टिविटी में वर्क करें, तो उसे नाम दे देंगे। अभी हम वर्क कर रहे हैं एडमिशंस के ऊपर, तो हम एक टैग क्रिएट करेंगे। यू कैन सी दैट, क्रिएट न्यू टैग। हमने टैग पे क्लिक किया, एंड सपोज हमने यहाँ पे मेंशन किया द पॉली किड्स एडमिशंस, ओके, एंड ऐड। ये हमारा द पॉली किड्स एडमिशन के नाम से एक टैग क्रिएट हो चुका है, यू कैन सी देयर। तो ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप जो है हमारा पूरा हो चुका है। सेकंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज टेम्पलेट्स। यू कैन सी हियर टेम्पलेट, टेम्पलेट्स पे क्लिक किया हमने। ये हमने कुछ टेम्पलेट्स बनाए हैं अपने अलग अलग उस चीज के लिए, लाइक फ्रेंचाइजी के अलग टेम्पलेट्स हो गए, एडमिशन के अलग टेम्पलेट हो गए। ऐसे ही आप भी टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। वैसे टेम्पलेट्स में भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। कुछ टेम्पलेट्स हमने क्रिएट किए हैं, डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, इस तरीके से, वो हम आपको फॉरवर्ड करेंगे, एंड यू कैन ऑल्टर इट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। आप उसे अपने अकॉर्डिंग उसे ऑल्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ऐड टेम्पलेट में क्लिक किया। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, टेक्स्ट एंड ईमेल। यू हैव टू गो विथ ईमेल टेम्पलेट। यहाँ पे आ जाएगा आपका ये। अब आपको ईमेल का एक नाम देना है। सपोज आपका फर्स्ट ईमेल गया, कोई इंक्वायरी आई, सपोज अभी वो वॉक इन नहीं है, सिर्फ एक इंक्वायरी आई है आपके पास, शायद फेसबुक में आई हो या किसी और सोर्स से आई हो, आपने को नाम दे दिया, डियर ऑल प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आई थिंक आई एम हियरिंग लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज। अगेन आई स्टार्टेड। अशोक जी, क्या आप टेम्पलेट्स दिखा सकते हो, एडमिशन टेम्पलेट्स 1, 2, 3, 4 जो भी आपके हैं, कैन यू प्लीज गो थ्रू देम फर्स्ट? यस सर, दिस इज अ टेम्पलेट, फर्स्ट टेम्पलेट, फर्स्ट डे टेम्पलेट। लाइक मैंने इसे नाम दे दिया है टीपीके एडमिशन ईमेल डे वन। आप इसे भी अपना नाम दे सकते हैं। सब्जेक्ट जो इसको दिया है वो है वेलकम टू द पॉलीकिड्स।
हम इसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स आता है, यहाँ पे अपने कंटेंट हम टाइप करेंगे क्लियर। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है कॉन्टेक्ट नेम। कॉन्टेक्ट नेम इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन है कस्टम वैल्यू। कस्टम वैल्यू यानी कि आपके पास जो इंक्वायरी आई है, जो आपका अपॉर्चुनिटी में जो आप नेम मेंशन करेंगे, आप उसे यहाँ ऑटोमेटिकली फिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कस्टम वैल्यू में क्लिक किया, कॉन्टेक्ट एंड फुल नेम। जैसे आप वो करेंगे, यहाँ पे उसका ऐसा दिखाई देगा आपको ऑप्शन कॉन्टेक्ट नेम, यानी कि जब ये ईमेल चला जाएगा आपकी तरफ से तो यहाँ पे इंक्वायरी का नाम होगा। सपोज अगर अशोक नाम से इंक्वायरी आई है तो उनके पास मेल जाएगा, डियर अशोक ग्रीटिंग फ्रॉम द पॉलीकिड्स, एंड आपने जो एक मैसेज जो टाइप किया है वो चला जाएगा। इसमें आप पूरी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, लाइक परी जो की है, थैंक यू फॉर इंक्वायरिंग द पॉलीकिड्स प्री स्कूल, वी ट्रूली अप्रिशिएट यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट एंड प्लेसिंग योर ट्रस्ट ऑन अस, वी हैव रिसीव्ड योर इंक्वायरी एंड अवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, एंड आपका ईमेल नंबर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर एंड आपका ब्रांच का ईमेल आई डी। इस तरीके से आप मैसेज टाइप करके से सेव कर लेंगे। हेलो, आपका ये एक ईमेल क्रिएट हो गया, फर्स्ट डे का टेम्पलेट क्रिएट हो गया। ऐसे ही आप सेकंड डे का टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक डे टू अबाउट द पॉलीकिड्स, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सेम डियर, एंड आप गए यहाँ पे क्लिक किया कस्टम वैल्यू में, कस्टम वैल्यू में क्रिएट किया, कॉन्टेक्ट में गए एंड फुल नेम को क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आपकी इंक्वायरी का नाम उठा लेगा। एंड आपने मैसेज टाइप किया एंड देन सेव, सेव एंड सेव। ऐसे ही आप डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, इस तरीके से आप उनके टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक टेम्पलेट आपको मैं क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ साथ साथ एग्जाम्पल के लिए। सपोज डे वन चेक में लिख लिया मैंने वेलकम टू द पॉलिटिक्स, यहाँ पे हमने लिखा हियर, क्लिक किया कस्टम वैल्यू पे फुल नेम, ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो गया, यहाँ पे आपके इंक्वायरी का नाम आ जाएगा। देन फ्रॉम द पॉलीकिड्स, एंड यहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा जो भी आप टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। देन रिगार्ड्स द पॉलीकिड्स, एंड आपके ब्रांच का नाम लाइक डालना, इसको क्लिक करेंगे देन आप इसे सेव कर दीजिएगा। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका टैंपलेट ये तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप अपने टैंपलेट्स को तैयार कर सकते हैं अलग अलग, लाइक डे वन में क्या जाना चाहिए, डे टू में क्या जाएगा। सपोज फेसबुक का लिंक भेज दिया डे टू में, डे थ्री में हमने यूट्यूब का लिंक भेज दिया, डे फोर में हमने अपने स्कूल्स के बारे में हमने भेज दिया, कोई वीडियो बना के भेज दिया, कोई कुछ पिक्चर्स भेज दिए, कुछ एक्टिविटीज़ की फोटोज भेज दी, फिर हमने कोई बुलेटिन भेज दिया। इस तरीके से हम क्या क्या करते हैं वो सारी चीज़ें हम उनको डे वाइज हम उन्हें भेज सकते हैं, तो आपके टैंपलेट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो हमने अपना ये सेकेंड स्टेप जो बताया आपको, टैंपलेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमने सीखा। एंड नाउ द थर्ड इज कैंपेन, लाइक आप उस चीज़ को कैसे करेंगे, मतलब फर्स्ट डे में क्या जाएगा, सेकेंड डे में क्या जाएगा, थर्ड डे में कैसे क्या जाएगा, उस चीज़ को हम अब सिंक्रोनाइज करेंगे। तो उसके लिए अब हम सेटिंग्स से बाहर आएंगे। अगर आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मार्केटिंग। आई एम ऑडिबल हूँ मैं आप सबको? यस सर, यस सर। आप मार्केटिंग में आप क्लिक करेंगे, यू कैन सी हियर ऑप्शन कैंपेन, आप इसे नोट कर सकते हैं, यू कैन राइट इट, देर इज एन ऑप्शन मार्केटिंग, देन वी हैव टू क्लिक ऑन कैंपेन्स। आप जब कैंपेन में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ कैंपेन पहले से क्रिएटेड दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको एक नया कैंपेन क्रिएट करना है, एक मैं पहले पुराना कैंपेन दिखा देता हूँ आपको।
कि हमने एडमिशन के लिए जो कैंपेन क्रिएट किया वो कैसा है। टीटी के एडमिशन के नाम से ये क्रिएट किया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने डे वन में ईमेल टेम्पलेट डाल दिया, डे टू में डाल दिया, पहले दिन ये जाएगा, दूसरे दिन दूसरा ईमेल जाएगा, तीसरे दिन कौन सा ईमेल जाएगा, चौथे दिन कैसे जाएगा, इस तरीके से हम उसे क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं इसे। क्रिएट अ कैंपेन, आप इसे कैंपेन का एक नाम दे देंगे, तो इसका हम नाम दे देते हैं एडमिशन द पॉलीकिड्स, ये हमने इसे एक नाम दे दिया एंड सेव इट। अब आपने ये नाम तो दे दिया एडमिशन द पॉलीकिड्स, एड इवेंट्स यू कैन सी है एड इवेंट्स, आपको एड इवेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे लाइक एसएमएस, मैसेंजर, ईमेल, कॉल, वॉइस मेल, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। आप उन्हें ईमेल्स भेज सकते हैं, आप उन्हें एसएमएस भेज सकते हैं, आप उन्हें एक ऑटो रिकॉर्डेड वॉइस मेल भी भेज सकते हैं, आप उन्हें एसएमएस भेज सकते हैं मैन्युअली भी एंड ऑटोमेटिकली भी, लेकिन अभी करंटली हम बात कर रहे हैं ईमेल की। तो हम ईमेल पे क्लिक करेंगे एंड ये आपका आ गया ईमेल वन। अब टेम्पलेट्स आपसे इसलिए क्रिएट कराए थे ताकि आगे चल के आपको उसमें ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। तो आपको क्या करना है, यू कैन सी हियर पिक ईमेल टेम्पलेट, आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। हमने अभी एक टेम्पलेट क्रिएट किया था डे वन, यू कैन सी हियर, जो टेम्पलेट आपने सेकंड स्टेप में क्रिएट किया था वो टेम्पलेट आपको यहाँ दिखाई देगा। कि आप इसे क्लिक करेंगे आपका पूरा मैसेज आपको दिखाई देगा और आपको उसको सेव, तो आपका डे वन का क्रिएट हो गया। ये आप मेंशन कर सकते हैं कि ये कितनी देर में जाएगा यहाँ से, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ऑप्शन दिख रहा है सेंड, इमीडिएटली जाना चाहिए या कुछ देर बना मतलब पहले जाना चाहिए बाद में जाना चाहिए, तो आप इसे इमीडिएटली करेंगे अगर कोई इंक्वायरी आती है तो, क्योंकि हम वेलकम कर रहे हैं तो इमीडिएटली उनके पास ये मैसेज चला जाएगा। ऐसे ही आप आगे ऐड करके ऐड इवेंट किया, ईमेल पे गए, टेम्पलेट पे आपने क्लिक किया, और ऐसे ही आप सेकंड डे का अगर आपने टेम्पलेट क्रिएट किया है तो आप उसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं कि क्या मैसेज आपने टाइप किया है एंड सेव। ये सेकंड ईमेल कब जाना चाहिए ये आपके ऊपर है कि कब जाए, लाइक आपने लिखा आफ्टर, यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं आप मिनट का, मिनट पे क्लिक करेंगे तो आवर है, डे है, तो आपका चॉइस है कि दो घंटे बाद जाना चाहिए, एक घंटे बाद जाना चाहिए या एक दिन बाद जाना चाहिए। तो सपोज हम कह रहे हैं कि एक दिन बाद जाना चाहिए, हमने डे पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए आफ्टर टू डेज, दो दिन बाद चला जाएगा या वन डे, आपका चॉइस है, आफ्टर थ्री डेज। आपके पास नंबर ऑफ टेम्पलेट्स कितने हैं, सपोज 10 है तो आफ्टर टू डेज भी कर सकते हैं आप उसे, अगर आपका नंबर ऑफ टेम्पलेट 30 है तो डे वाइज कर सकते हैं आप उसे। तो सपोज हमारे पास नंबर ऑफ टेम्पलेट 7 है तो मैंने नेक्स्ट डे में के लिए से सेलेक्ट कर लिया, यानी कि पहला आपका गया इमीडिएटली चला गया जब इंक्वायरी आई, सेकेंड डे में उनके पास हमारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन चली गई। ऐसे ही हम एड इवेंट में क्लिक करेंगे, गए आपने तीसरा टेम्पलेट को तैयार किया है, आप थर्ड डे में इसको सेलेक्ट किया, मैसेज आप चेक कर लेंगे कि क्या मैसेज है यहाँ पे, इसे आपने सेव किया, यानी कि आपका थर्ड डे का टेम्पलेट भी तैयार हो गया। आपको जस्ट यहाँ से इसको चेंज करना है डेज पे एंड सेकंड डे, यानी कि दो दिन बाद, और अगर आप दो दिन बाद नहीं भेजना चाहते, थ्री डेज बाद करना चाहते तो थ्री डेज। तो इस तरीके से आप सो ऑन यानी कि नंबर ऑफ टेम्पलेट्स अपने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कैंपेन में, यानी कि फर्स्ट डे क्या जाएगा, सेकंड डे क्या जाएगा, थर्ड डे क्या जाएगा, फोर्थ डे क्या जाएगा, ऐसे नंबर ऑफ डेज आप उसमें कर सकते हैं। तो जैसे आपका ये हो जाता है तैयार तो आप यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन, कैंपेन कॉन्फ़िगरेशन, आपको यहाँ क्लिक करना है।
क्योंकि जब तक आप उसे कॉन्फिगर नहीं करेंगे तो आपका मैसेज जाएगा नहीं, तो इसे आप ऑन कर दीजिएगा। ये आपके डेज हैं, कब कब जाना चाहिए, लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं जाए, या थर्सडे ना जाए, या फ्राइडे ना जाए, या फिर सेवन डेज जाए, या सिर्फ सैटरडे तक जाए, मेन संडे को ना जाए, ये आपका चॉइस है। या फिर आप सेवन डेज मतलब पूरे के पूरे सेवन डे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम के बीच मिल जाए। सपोज सुबह 8 बजे शायद कोई मेल चेक ना करे, 11 बजे के बाद कोई मेल चेक करता हो, या 10 बजे के बाद, तो आप उसमें टाइमिंग भी डाल सकते हैं। सपोज उन्होंने 9 बजे का टाइम मेंशन कर दिया कि 9 बजे के बाद हमारा कोई मेल उनके पास उनको रिसीव हो, और कब तक जाना चाहिए, तो वो भी एंड टाइम भी हम मेंशन कर सकते हैं। सपोज 6 बजे 9 to 6 के बीच में उनको मेल रिसीव होगा हमारी तरफ से किसी भी इंक्वायरी को, आपको नहीं चाहिए उसको आप छोड़ दीजिएगा। फ्रॉम एड्रेस, या आप उसमें एड्रेस डाल सकते हैं अपना, लाइक किस ब्रांच से जा रहा है, हमने यार मेंशन कर दिया नेम में द पॉलिकिट्स, आप मेल डाल दिया पे हमने इनको @thepolykids.com, हमने अपना ब्रांच का ईमेल आईडी यहाँ मेंशन कर दिया। लीड वैल्यू आप उसमें डाल भी सकते हैं, या इसको अगर छोड़ना चाहते हैं तो उसको छोड़ भी सकते हैं। टैग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जो टैग क्रिएट किया था स्टार्टिंग में द पॉलिकिट्स एडमिशन के नाम से, अगर आप कोई भी इनिशियल डालेंगे उसका, सपोज आपने क्रिएट किया, आपको याद नहीं, आपको याद है किसी मैंने एडमिशन लिखा था उसमें कोई वर्ड, तो आपने एडी किया, आपको दिखाई देगा द पॉलिकिट्स एडमिशन, इसको चूज कर लिया एंड अलाउ किया, स्टार्ट टाइमिंग है यानी कि इमीडिएटली, यानी कि आज से ही वो होना चाहिए, या जब जब भी आप इस कैंपेन को क्रिएट करेंगे उस दिन के डेट डाल के से ओके कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा, ये आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन में कोई आपको डाउट, या मैं कोई फॉल्स जा रहा हूँ, अभी कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कोई डाउट है, क्या मुझे थोड़ा स्लो चलना चाहिए? So we got to know, but when we'll use it, then we'll know more. And if we'll have doubt, we'll ask you. Okay. I think so. Abhi to samajh aa gaya. But same here. Okay. When we work then, out. This is a one-time process. ये एक time का process है, यानी कि अगर आपने अपना आधा घंटा निकाल के अगर इस system को create कर दिया, तो it will work automatically. मतलब आपको बार-बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इट्स अ वन टाइम एक्टिविटी, जो भी हमारी ओपन इंक्वायरीज होंगी उसमें ये चला जाया करेगा। जी मैम, वो आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे होगा, हम टेस्टिंग करेंगे लास्ट में अभी। तो कैंपेन कैसे क्रिएट होगा, उसमें हमने टेम्पलेट किस तरीके से लगाने हैं, उसे हमने कॉन्फिगर किया। अब आप यहाँ एक ऑप्शन देखेंगे एक्शन, आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं अगर आप उसकी तरह कोई और कैंपेन बनाना चाहते हैं, अदरवाइज ड्राफ्ट वाले पे क्लिक करके ऐसे आप पब्लिश कर देंगे। ऐसे ही आप पब्लिश करेंगे यानी कि अब वो रेडी हो चुका है, यानी कि आपने जो भी टेम्पलेट्स क्रिएट किए हैं, जो भी ईमेल्स क्रिएट किए हैं, वो आपके अपॉर्चुनिटी को सेंड हो जाएंगे ये इंक्वायरी आने के बाद। तो ये हमारा थर्ड स्टेप भी पूरा हो चुका है। देन हमारा है वर्क फ्लो। वर्क फ्लो यानी कि अब इंक्वायरी आएगी वो उनके पास कैसे जाएगी, मतलब टेम्पलेट्स आप बहुत सारे बनाएंगे, आप उसमें टैग्स भी बहुत सारे बनाएंगे। सपोज एडमिशन का कोई टैग है, आपका समर कैंप का कोई टैग है, या कोई एक्टिविटी का कोई टैग है, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो है वर्क फ्लो का। उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है मार्केटिंग के ऊपर वर्क फ्लो, आप उस पर क्लिक करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा क्योंकि जो हमने पहले से क्रिएट किया इसमें आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हैं क्रिएट वर्क फ्लो, आप उस पर क्लिक करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक ऑप्शन है आपके पास पिक अ कैंपेन, यानी कि अभी जो मैंने आपको स्टेप बताया था आप वहाँ से भी इसको ऑटोमेटिकली उठा सकते हैं, या फिर आप स्क्रैच से उसको बना सकते हैं, यानी कि आपको फिर से ईमेल टाइप करना पड़ेगा, आपको
सारे टेम्पलेट फिर से टाइप करने पड़ेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, पीका कैंपेन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमने कैंपेन क्रिएट किया था एडमिशन द पॉलीकिड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अभी ये कैंपेन क्रिएट किया था। आप इसको चूज कर लीजिए एंड क्रिएट न्यू वर्क्स में। आप यहां देख सकते हैं कि ईमेल वन, मेल टू, मेल थ्री, ये आपके वर्क फ्लो में आ गए हैं। अब हमें इसको ट्रिगर करना है कि वो कैसे वर्क करेगा। सपोज एंक्वायरी आई, तो उसकी एंक्वायरी आने पे वो ट्रिगर हो और उनके पास ईमेल चला जाए। उसके लिए आप यहां देखेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये ऑप्शन है एड न्यू वर्क फ्लो ट्रिगर, आप उस पर क्लिक करें। यस मैम, सर ये स्क्रीन इज नॉट विजिबल, थैंक यू, मेक इट टू द सेंटर सर। मैम आई एम नॉट गेटिंग यू क्लियरली, सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल, थैंक यू, आई कंप्रोमाइज इट, इट इज ऑन टू द राइट हैंड साइड टोटली, स्क्रीन इज नॉट देयर। No, ma'am, visible? No, sir, not yet. Screen is visible, but everything is going on to the totally right-hand side. Right-hand side? Yeah. It is not centralized. Yeah. फिर से करता हूँ share. Yeah. Yeah. Now visible. Now it's okay. Okay. See, हमने कैंपेन पिक कर लिया। अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते तो आपको सारे टेम्पलेट दोबारा से क्रिएट करने पड़ते। फर्स्ट डे क्या ईमेल जाएगा, सेकंड डे क्या जाएगा, थर्ड डे क्या जाएगा, फोर्थ डे क्या जाएगा। बट जस्ट यू हैव टू डू इज, आप कैंपेन क्रिएट करें जो आपने क्रिएट किया था, आपने उसे पिक कर लिया। देन आपने जब वर्क फ्लो पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा चूज अ वर्क फ्लो ट्रिगर, न्यू ट्रिगर पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है से आप छोड़ दीजिएगा। सेकंड ऑप्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ तीन ऑप्शन है, एक है CRM, एक है फेसबुक, थर्ड है Shopify। फेसबुक को आपको नहीं करना है क्योंकि फेसबुक में क्या होता है कि जब हम एक एड मैनेजर में कोई कैंपेन चलाते हैं, कोई फॉर्म उसमें अपडेट करते हैं, तो वहाँ से जितनी भी इंक्वायरीज आती है तो वहाँ पर हम फेसबुक को चूज कर लेंगे। लेकिन आप अगर अपने आप से कोई अपॉर्चुनिटी को ऐड कर रहे हैं, कोई वॉक इन आया, कोई आपके पास इंक्वायरी आई, आपने अपडेट कर दिया, तो उसके लिए आप CRM को ही रहने दीजिएगा यहाँ पे। देन सेलेक्ट, थर्ड ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप इसे स्क्रॉल करेंगे, अपॉइंटमेंट, बर्थडे रिमाइंडर, कॉल स्टेटस, कॉन्टैक्ट चेंज, इस तरीके से आपको इसमें चूज करना है कॉन्टैक्ट टैग। अगर आप किसी इंक्वायरी को अपने आप से एंटर करते हैं, यानी कि मैनुअली कोई इंक्वायरी एंटर करते हैं, तो आपको चूज करना है ऑप्शन कॉन्टैक्ट टैग। अपने कॉन्टैक्ट टैग ऐड किया, देन ऐड फिल्टर, ऐड फिल्टर में गए, सेलेक्ट, यहाँ पे आपको चूज करना है टैग एडेड। आपको जो आपने टैग फर्स्ट में जो क्रिएट किया था सबसे पहले एडमिशन के नाम से, तो टैग ऐड में क्लिक किया, यानी आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपका टैग था जो हमने क्रिएट किया था द पॉलीकिड्स एडमिशन, ये हमने टैग जो सबसे पहले क्रिएट किया था द पॉलीकिड्स एडमिशन को हमने क्लिक किया। आपने जब द पॉलीकिड्स एडमिशन टैग क्लिक कर लिया, उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे, सेव ट्रिगर। हमने सेव किया, सेव करने के बाद हम इसे कर देंगे पब्लिश। अभी ये ड्राफ्ट में है, पब्लिश किया एंड सेव। यहाँ पे ऑप्शन है राइट टॉप में, हमने पब्लिश किया एंड देन उसको सेव कर दिया।
तो यानी कि जो आपके स्टेप थे, सबसे पहले आपने टैग क्रिएट किया, टैग क्रिएट करने के बाद आपने टेम्पलेट्स बनाए, टेम्पलेट्स बनाने के बाद आपने उन टेम्पलेट्स को कैंपेन में डाला, जब आपने कैंपेन क्रिएट कर दिया उस कैंपेन को आपने वर्क फ्लो में डाल दिया, और जैसे आपने वर्क फ्लो में डाला आपने उसको पब्लिश करके सेव कर दिया, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 जो है आपके जो ईमेल्स है वो रेडी हो चुके हैं वर्किंग के लिए। अब हम इसको टैग करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए हम सबसे पहले आएंगे अपनी अपॉर्चुनिटीज में, यहाँ पे हम मैन्युअली अपनी इंक्वायरीज को एंटर करते हैं। ठीक है, यू कैन सी हियर ऑप्शन न्यू, अपॉर्चुनिटी में हमने क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू, जो चीज़ हम पहले कर चुके हैं। सपोज हम इसमें इंक्वायरी करते हैं, मैम के नाम से इंक्वायरी करते हैं, पूनम मैम आपकी कोई ईमेल आईडी मिलेगा मुझे? यस सर, पूनम निगम, पूनम निगम 14@yahoo.com ये हमने ईमेल डाल दिया है। नंबर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं फिलहाल अभी टेस्टिंग के लिए, क्योंकि अभी हम ईमेल पे टेस्ट कर रहे हैं अभी। देन टैग, वो टैग क्या था, अभी हमने इंक्वायरी करी क्योंकि हमने सारी चीज़ें कर दी हैं, सारा काम कर चुके हैं, अब आपको वो सारे काम दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंक्वायरीज आप डालेंगे तो जो टैग आपने सबसे पहले क्रिएट किया था इस पूरे वर्क फ्लो के लिए, तो उस टैग को हमने यहाँ पे एंटर करना है। आपका टैग था द पॉलीकिड्स एडमिशंस, आपका ये टैग यहाँ पे आ गया। देन सेम कॉन्टैक्ट नेम जो आपने मेंशन किया था वही आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, पूनम निगम, राइट। देन द पॉलीकिड्स एडमिशन, न्यू लीड, अभी न्यू लीड है वो, स्टेटस अभी ओपन है, वैल्यू जो एडमिशन वैल्यू, सपोज हम मान लेते हैं एडमिशन वैल्यू 30,000 है, ये एडमिशन वैल्यू जो है, एडमिशन वैल्यू इज एक्चुअली व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दिस लीड ड्यूरिंग द ईयर, मे बी आपका एडमिशन एनुअल प्रॉपर फीस मिला के आपको एक अमाउंट मिलता है 30,000 40,000 जो भी होता है, वो आप इसमें डाल सकते हो कि अभी कितना है, कंप्लीट वन ईयर फी, हाँ मतलब वो जस्ट फॉर एवरीबॉडीज इंफॉर्मेशन आई एम पुटिंग। हाँ, एंड सोर्स, उस इंक्वायरी का सोर्स क्या है, वो आपको हेड ऑफिस से मिली है या आपके पास कोई रैंडमली कॉल आया या किसी के रेफरेंस से मिली है, तो सपोज आपके पास वो रेफरेंस से कोई कॉल आया, देन आप उसे करेंगे ऐड, तो हमने वो ऐड कर लिया है, तो मैं एक बार कन्वर्सेशन में जाके देखता हूँ। आप पूनम मैम, आपको कोई मेल रिसीव हुआ है? मैं चेक कर रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ, आपके पास जो भी इंक्वायरी आप मैन्युअली एंटर कर रहे हैं उनके पास आप फर्स्ट डे का मैसेज चला गया, यानी कि हमने पहला चूज किया था इमीडिएटली, तो इमीडिएटली जैसे ही आपने ऐड किया उनके पास ये मैसेज चला गया, यानी कि अब कल के दिन पे शायद इसी टाइम के आसपास, आगे पीछे हो सकता है टाइमिंग, बट बिटवीन 9 to 6 पूनम मैम आपको फिर से एक मेल आएगा पॉलीकिड्स की तरफ से, वो अब ऑटोमेटिकली होगा, ऐसे ही डे थर्ड में आपके पास ऑटोमेटिकली मेल आएगा बिटवीन 9 to 6 जो आपने टाइम सेलेक्ट किया है। तो आप जैसे देख सकते हैं हमारे जैसे प्रीवियसली जैसे हमारे लोगों के पास गया है मेल 20 तारीख 20 अक्टूबर 23 अक्टूबर 27 अक्टूबर, इस तरीके से उनके पास मेल गया है 16 अक्टूबर 18 अक्टूबर 20 अक्टूबर, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली उनके पास मेल जा रही है, तो ऐसे ही आपके पास भी मेल आएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है, यानी कि आपके पास आपकी जो इंक्वायरीज आ रही हैं, अगर आप उनको रेगुलर आप उनके साथ टच में नहीं है, बट टेलीफोनिकली टच पे नहीं है, लेकिन आप
दूसरे तरीके से आप उनके साथ टच में रहेंगे, यानी कि आप उनको अपने स्कूल का इन्फॉर्मेशन डेली भेज सकते हैं। अब टेम्पलेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे करेंगे, लेकिन आप उसे अपने अकॉर्डिंगली उसे ऑल्टर भी कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट डे क्या जाना चाहिए, लाइक वेलकम मैसेज, सेक्स डे, सेकेंड डे आपने उनको भेजा स्कूल के बारे में अबाउट अवर स्कूल, देन थर्ड डे आपने इनको फेसबुक का लिंक भेजा, फोर्थ डे आपने उनको यूट्यूब का लिंक भेजा, देन फिफ्थ डे आपने उनको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी, लाइक सपोज यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइड, इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी यू कैन कॉल अस, एक जनरल मैसेज भेज दिया। देन इस तरीके से आप टेम्पलेट जो है अपने अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इनडायरेक्टली जो है उनके साथ टच में रहेंगे, यानी कि लगातार मेल जा रहा है, तो मे भी शायद कोई पेरेंट्स वो कर जाए कि यस इनका प्रोसेस बहुत अच्छा है, इन्फॉर्मेशन लगातार भेजते हैं। मैम ये 31 कौन लिखवा रहा है, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। यस तो आई थिंक ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ये जो आपको सिस्टम अभी जो बताया है ये आप लोगों को कैसा लगा, मतलब आप लोगों के कुछ व्यूज पॉइंट जानना चाहूंगा, फीडबैक आपके, ये किस हद तक हेल्प करेगा हमें? वेरी हेल्पफुल, once we start getting used, start using it, then only we got to know about its benefits. I need some things from everybody. One thing what I want from all of you is, let's say we draft out, let's say 10 or 15 emails हम initially draft out करते हैं अपने parents, मतलब to for the leads or inquiries, ठीक है? I want to know आप लोगों की तरफ से what all things we can include in that 10 or 12 or whatever emails हम लोग बनाते हैं। So I need a suggestions कि हम क्या-क्या चीज़, like first day email is a welcome email, we can give them some brief about the school. Second day maybe email which we can about some of the YouTube channels or some other things we can brief them about. एक next email में एक newsletter चले जाएगा हमारा for the month or something like that what we have. Newsletter can go to the जो भी leads हैं. Then we can have another email जिसमें कि if any offer we have, we can give them a surprise offer कि this is only offer is there for maybe this week only. It can be designed in that way. तो इस तरीके से special offer for you which is available for another maybe 3 days or whatever it is, it will close. So that is how to attract the leads. So I would like to know some suggestions or points which you feel like we can add on to the emails जो हमारी sequential emails होती हैं, which will go to the parents over the time period. So all these things you can also let us know if you have anything in this thing, maybe a lucky draw can be given. Another email we can tell them about our referral system which we have, which is a unique referral system which they can avail of and they can be a part of it. So is tarike se we can have a number of emails which will give them some information or the other over a time period, and these will be automatically going to the parents. You don't have to do anything. Ek baar aapne unko register kar diya, they are in the aapki lead opportunities mein aa gayi, uske baad these emails will keep going from your branch to the parents. So isme if you have any other ideas or anything like that, you let us know, या तो ग्रुप में भी डाल सकते हो या आप मैसेज कर सकते हो मेरे को या अशोक सर को, एंड वी विल ट्राई टू फ्रेम अ ईमेल आल्सो फॉर एनीथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। जैसे अब आ रहा है तो वी कैन हैव समथिंग फॉर दिवाली ऑफर और समथिंग लाइक दैट इन द ईमेल विच इज देयर वैलिड टिल सो एंड सो डेट, वो हम एक उसमें डाल सकते हैं विच कैन गो ऑन अ स्पेसिफिक डे। तो इस तरीके का यू कैन गिव योर आइडियाज और सजेशंस एंड वी विल इंक्लूड इट।
मेन थिंग इज कि व्हेन वी आर बिजी एंड वी टेंड टू फॉरगेट कि ये लोग आए थे, इट मे हैपन कि भाई किसी ने 2 महीने पहले इंक्वायरी करी एंड देन दिस सपोज दिवाली ऑफर ईमेल वी मेड इट कॉमन टू गो टू ऑल द लीड्स देन इट विल गो टू ऑल ऑफ देम सडनली वो एक्टिवेट हो जाए, अरे अब तो मैं सोच ही रहा हूँ ये स्कूल, चलो लेट्स सी इफ ये ऑफर आ गया तो लेट्स गो एंड check it out and take admission. So you don't have to go and track it up, because if any leads are here, maybe at times what we can do is ki ek offer humne yahan se float kar di which goes to all the leads, so it will be automatically sent to everyone who is there in the system, matlab the leads or whatever it is, so they will get a benefit and you don't have to do a manual work of calling them up or updating them or checking ki bhai ye leads thi, ye kya hua kya nahi hua, so it's like keeping in touch with the people and in a automation mode, and also you can keep a track ki mere ko mere paas let's say 50 inquiries thi ya 30 inquiries thi, how many got converted, how many are still in the pipeline, kaun si stage mein hai wo, stage 1 stage 2 stage 3, kya unhone prospectus liya hai ki nahi, whether they are coming in this month or in after 2 months or whatever it is, so you can keep a track of the inquiries, how many you have lost, you can mark them as lost, so you will know ki what is the status ya kya unka status hai, this is how you matlab this is one step only which I have told you of automation, there are various other steps also which we will be covering one by one. So how did you like it, did you find it suitable, beneficial and helpful for the lead generations, automations, follow up and conversion generation, did you find that this thing helpful to all of you? No answer means yes sir. Sir, once we get user friendly to this software, definitely it will help us. Right sir. Ma'am, it's like आपने नया मोबाइल लिया, आपको समझ में नहीं आया शुरू में है, और उसके बाद यू विल फाइंड कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसमें ये फंक्शन भी है वो फंक्शन भी है. Yeah, so, it's same like that. हाँ, so the more you use, the more you will be able to take benefit of it and more we get user friendly to of it. Yes. और I put this on recording mode and I'll share the recording also. फिर आप लोग भी देख सकते हो बाद में if anywhere anything you are not able to understand or कुछ miss out हो गया, you can always watch the recording and see. What I think is Ashok sir, what you can do is एक बार हम लोग templates बना लेते हैं, you can have a live running session with the branches, और branches को साथ में रख के ना हम लोग इनकी जो templates हैं वो साथ में इनके create करवा देंगे, where they will do it on their own panel एंड ये लोग खुद अपने अपने टेम्पलेट्स क्रिएट करके वहाँ पे इंक्वायरीज को कैसे उसको भेजना है फ्रॉम ए टू जेड एवरीथिंग, ये साथ में जब करेंगे ना तो मे बी दे विल हैव अ मोर हैंग ऑन इट एंड अदर थिंग्स, इजंट इट, या सो इट्स बाय लाइक वो हो गया लर्निंग बाय डूइंग, वो साथ में रह के करेंगे तो मे बी दे विल बी एबल टू use it and maybe learn more faster. Shreya ma'am, welcome to the meeting, how are you? I think she just joined late. Okay, so any other point, any other query from anyone? Okay, then we will close the meeting then. Right, and so maybe you can try it out with your panels, means in your systems, see a hang of whatever things we have taught and